सेवा कर रही थी और काम कर रही थी, ठाकुर जी स्वयं उनको मदद कर रहे थे। ठाकुर जी हाँ ठाकुर जी, और उनने एक पद लिखा है, एक ग्रंथ है जिसका नाम गीत गोविंद का ग्रंथ है। वो बहुत रसीला और बड़ी उच्च कोटि का ग्रंथ था। एक दिन उन्होंने देखा कैसे राधा रानी किसी कारण से मान की तो कृष्ण उनको मनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधा रानी का मान ही नहीं उतर रहा था तो इतने में उन्होंने बोले, हे राधे आज इतने क्यों मान की हो, मान को तो छोड़ दे, ठीक है तुम्हारे चरण क्यों प्रभु मेरे सर पर धर लो, तुम्हारे चरणों को भी मेरे सर पर धर लो। लेकिन जो इतना देख करके लिखने जा रहे थे, फिर इनके मन में आया कृष्णा तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक भाग्य भी है। क्या होता है हमारे भारतीय संस्कृत में, पत्नी पति की सेवा करती है, हाँ चरण धो लेती है, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी उल्टा गंगा बह रहे हैं। हाँ यहाँ पर उल्टा है, इसलिए मतलब आज तो उल्टा गंगा बह रहे हैं। ठाकुर हमारे चरण तो मेरे सर पर, तो ठाकुर जी स्वयं लिख कर गए और उनका हाथ में भोजन करके चले गए। लेकिन जो असली जो कभी जयदेव थे, जब आए पत्नी ने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, बोले जल्दी कब, मैं तभी गया था अभी आ रहा हूँ। बोले नहीं अब तो बीच में आए थे, बोले कॉपी दे दो, मैं पद्य को पूरा नहीं कर पाए, मैंने कॉपी दिया आपको, आपने पूरा करेंगे ला कर दिखाओ। मुझे कॉपी दिखाए ना, जो पद को वो लिख नहीं सके, ये ठाकुर जी स्वयं सोने की अक्षर में वो लिख करके सोने का अक्षर में। इतने में वो जो पति था पत्नी को बोले, बड़े भाग्यवती मेरे रूप धारण करते हुए ये ठाकुर जी स्वयं आ करके ये पद्य को पूरा कर गए, वो मैं नहीं था इसलिए ठाकुर जी थे।